भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के इस सफर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज डे 3 है और आज हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है वडोदरा जंक्शन। आज यहां से हम लोग निकलने वाले हैं केवड़िया के लिए। होटल और खान पान की बेहतरीन सुविधाओं के बाद रेलवे द्वारा बसेस का अरेंजमेंट भी किया गया हमारे लिए, जहाँ पर आराम से हम लोग पहुँच चुके थे एकता नगर। जब यहाँ हम उतरे तो रेलवे स्टाफ से पता चला कि ये एक ग्रीन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे सौर ऊर्जा का उपयोग करके रेलवे स्टेशन के संचालन के लिए विद्युत को बनाया जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सैनिटरी पैड्स की सुविधाएं भी थी। बस फिर क्या था, बेहतरीन लंच की सेवाओं का आनंद उठाते हुए हम लोग अपने सफर में अब बढ़ने को तैयार थे। बसेस वापस से तैयार खड़ी थी और बढ़ चले हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस चीज़ का आपको एहसास तब होगा जब आप इसके बगल में खड़े होंगे। वैसे महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमें बस यहीं पर देखने को मिला, जहां पे लाइन से बहुत सारे ऑटोज खड़े थे। अपनी सुरक्षा जांच को करवा करके अब बढ़ चुके थे हम लोग मूर्ति की ओर, जो कि काफ़ी विशालकाय और खूबसूरत थी। और इतना ही नहीं, अंदर आपको सभी तरह की जानकारी इससे रिलेटेड मिल जाएगी। यहाँ पे अच्छा खासा समय बिताने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मूर्ति के 45वें माले पर, यानी 45th फ्लोर पे, जहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे हैं। सामने सरदार सरोवर डैम और यहाँ पे नर्मदा माता के दर्शन। ऊंचाई से अलग ही नज़ारे थे और हमारे टिकट में इंक्लूडेड था ये फ्लावर वैली का टिकट, जहाँ पे हम लोगों ने सनसेट बिताई, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप केवड़िया आ रहे हो तो यहाँ आना ज़रूरी बनता है। इसके बाद अपने सफ़र में वापसी की ओर निकल चले थे। शाम भी ढल रही थी और अब मौका था हमारी ट्रेन बोर्ड करने का, जिसमें आज आप लोग एक बेहतरीन रेल सफर देखेंगे वडोदरा से सोमनाथ तक, जहाँ पे भरपूर रेल फैनिंग आपको मिलेगी। चलिए यार, 8:10 पे हम लोग पहुँच गए और विश्वामित्री रेलवे स्टेशन आए। ट्रेन अपनी लग चुकी है, ऊपर शायद दिख रही हो आपको। अब बस अंडरपास से जाएंगे और फिर ऊपर अपने कोच में पहुँचा जाए। देखो अपनी रात की सवारी यहाँ तैयार खड़ी है, डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन। चला जाए अपने कोच पे। जो लोग नए हैं उनको इंटीरियर दिखाया जाए इस ट्रेन का। लग रही है ना कमाल की। यहाँ पे अपनी जो ट्रेन है, ये रहा अपना कोच। चलिए गाड़ी बोर्ड करते हैं, कोई ना कोई गाड़ी भी आने वाली है यहाँ से। आज ज़बरदस्त रेल फैनिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से राजधानियाँ भी निकलेंगी, बहुत सारी ट्रेनें निकलेंगी। इन्जॉय करो भाई रेल फैनिंग, मज़ा आएगा अभी। और यहाँ हमारे फेमस रेल स्पॉटिंग वाले अनुभव कश्यप भाई हेल्प करते हुए सारी गाड़ियों की डिटेल बता रहे हैं बकायदा, एकदम टाइम टू टाइम। भाई ये निकली यहाँ पे स्वर्ण मंदिर मेल। अब चलो भाई इंटीरियर देख लो, जो लोग काफी समय से वेट कर रहे हैं गाड़ी का इंटीरियर देखने का। भाई सबसे पहली चीज इंटीरियर देख लो यार, ये है अपना फर्स्ट एसी का इंटीरियर। बेडशीट वगैरह हम लोग फैला के गए थे, भैया लोगों ने वापस से अरेंज कर दी, थैंक्स अ लॉट उसके लिए। और यहाँ पे सबके सामान वगैरह ऑलरेडी सेट है, चार्जर वगैरह शुरू हो चुका है, चार्जिंग लॉकर वगैरह भी दिए हुए हैं। ये देखो सेफ्टी के लिए लॉकर वगैरह सिस्टम भी है, अपर बर्थ में जाने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह हैं। रूम एकदम झकास, अपने सारे दोस्त लोग इंजॉय करने वाले हैं इसी में। और आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी को सोमनाथ और बाकी के जो हॉल्स हैं ना अपने, उन सभी में इंजॉय करोगे यार। इंटीरियर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। चीज़ आप लोग कूप देखना चाहते होंगे तो भाई दो लोग की प्राइवेसी के लिए कूप का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। देख लो कूप नीट एंड क्लीन एकदम बढ़िया। आप बाहर चलते हैं और रेल फैनिंग करेंगे, उससे पहले फेस वॉश वगैरह भी करना जरूरी है। इसका बुरा हाल उसका सुबह से घूम रहे हैं धूप में, काफ़ी अच्छी खासी धूप थी। अब चला जाए थोड़ा बाहर घूमते हैं। Yeah.
तो यहाँ पे जबरदस्त रफ्तार में निकली है दादर अजमेर, और इसके जस्ट पीछे पीछे सयाजी नगरी भी चलती है। अब देखते हैं अगली कौन सी आएगी। बस फ्री में स्पॉटिंग मिल रही है, मजे से बैठे हुए हैं सारे, इंजॉय कर रहे हैं ट्रेन स्पॉटिंग। और यहाँ पे अपने दो भाई लोग मिल रहे हैं वडोदरा से, भाई नाम राजेश, राजेश और तो ये बहुत अच्छा लगा यार आप लोग मिल रहे हैं। इन्होंने अंदाजा लगाया गाड़ी यहाँ पे होगी इसलिए यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा मिलकर। और साथ में ट्रेन स्पॉटिंग भी हो रही है। फाइनली 9:10 पे अपना डिपार्चर यहाँ से हो रहा है। बाय भाई लोग, बहुत सारे लोग मिलने आए थे, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। और यहाँ से हम लोग निकलते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच में, इस टूरिस्ट ट्रेन का यार अलग ही मज़ा, अलग ही वाइब है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं बस इस ट्रेन को, और इसमें हमें यात्रा करने का मौका मिल रहा है, वो सब आप लोगों के प्यार की वजह से। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन अभी वडोदरा जंक्शन को देखो स्किप कर रही है। वैसे स्किप का तो ऑप्शन दिया है, अब रुक जाएगी तो अच्छी बात है, इसी बहाने आपको वडोदरा जंक्शन दिखाएंगे। लेकिन कभी आप अगर वडोदरा जंक्शन से किसी ट्रेन से गुजर रहे हो जिसका हॉल्ट है ना, तो यहाँ की पकौड़ियाँ काफ़ी फेमस है, साथ साथ आप सिंगदाना यानी मूँगफली ले सकते हो, काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है मूँगफली का, और काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं, बड़े बड़े दाने होते हैं। और यहाँ पे अपने को येलो सिग्नल मिला हुआ है स्किप के लिए। देखो यहाँ पे कैसे पकौड़ियाँ यहाँ पे तली जा रही हैं, जैसे कि मैं आपसे कह ही रहा था अभी। वेस्टर्न रेलवे की कोई ट्रेन भी यहाँ पे आज की है, वाडनगर वलसाड इंटरसिटी। बाकी जंक्शन इसलिए कहते हैं वडोदरा को क्योंकि दिल्ली लाइन से हम लोग अलग होने वाले, बस कुछ ही समय में यहाँ पे दोनों राजधानी अगर शांति और मुंबई राजधानी दोनों ही आने वाली हैं, दिल्ली लाइन पे बढ़ जाएंगी और हम लोग अहमदाबाद वाली लाइन पे बढ़ने वाले हैं। हमारा कोई भी स्टॉप नहीं सोमनाथ तक, पर जो भी हो सकेंगे स्टेशन पॉसिबल वो आपको जरूर दिखाएंगे इस वीडियो में। वडोदरा रेलवे स्टेशन तो स्किप हो गया, लेकिन डिनर नहीं स्किप कर सकते क्योंकि डाइनिंग हॉल में लाजवाब डिनर आपको इंतजार कर रहा है। एक बार फिर आपको डाइनिंग हॉल का यानी अपने रेस्टोरेंट कार का इंटीरियर दिखाते हैं, क्या लाजवाब बना है। उसके बाद बहुत थक गए पूरे दिन का घूम के, लेकिन ये ब्लॉग चलेगा, मजा आएगा, पूरा एंड तक देखिए। तो यहाँ पे आ चुके हैं अपने रेस्टोरेंट कार में, और देखो फूड की सर्विंग बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है सबके लिए, डिनर जो है वो शुरू हो चुका है, जो है प्रॉपरली सर्व किया जा रहा है सबके लिए। यहाँ पे आ चुके हम लोग अपने रेस्टोरेंट कार में, डाइनिंग कार में। इंटीरियर देखो आप कितना लाजवाब है। अभी यहाँ पे स्टार्टर चल रहा है मैम का, सूप विद ब्रेस्टिक, ये सबसे अच्छा मेरा फेवरेट कॉम्बो है राजधानी में भी, जब से 2 AC 3 AC में बंद हुआ है बुरा बहुत लगा, लेकिन ये होना चाहिए 2 AC 3 AC में भी होना चाहिए। बाकी उधर भी बाकी लोग डिनर कर रहे हैं, चलो सबसे मिले। ये देखो क्या है आज, आज है पनीर दाल, पनीर सब्जी और ये दाल या कुछ अलग है, दाल ये मिक्स है, मिक्स है लग रहा है। हाँ। कैसी है? अरे अरे पेंट्री में बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, गाड़ी भी एकदम चमचमा रही है, फिर से ऐसा लग रहा है फिर साफ हुई है, पूरी साफ हुई है, बहुत बढ़िया, धो के आई है, बहुत बढ़िया। ये देखो भैया, फिर मुस्कुरा के खिलाने वाले भैया मिल गए हमारे वापस। तो यहाँ सूप की सर्विंग चल रही है, जब से ट्रेन में आना ऐसा लग रहा है घर वापस आ गए, क्यों संदीप भाई? बोर बस में तो ऐसा लग रहा था भाई जैसे बोर हो रहे हो भयंकर, ट्रेन में आके लग रहा है जैसे आप अपने घर में आ गए, और जैसे कि अपने घर में आ गए और खाना पीना जो है अब घरेलू शुरू होने वाला है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले बेस्ट चीज़ है गरम गरम सूप पियेंगे, इन्जॉय करेंगे स्टार्टर में, जिसमें आपको बटर मिलेगी, ब्रेड स्टिक मिलेगी, सभी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ बताएं क्या, सूप के साथ ब्रेड स्टिक, यार ये ट्रेन में भी मुझे कॉम्बो पसंद है और यहाँ भी पसंद है। इसी में मतलब जो रिलैक्स है ना, मन एकदम रिलैक्स हो गया, अब डिनर का भी जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ चुकी है कि भाई जब यही चीज़ें इतनी अच्छी हैं तो आगे कैसा होगा। अब इसे फिनिश करते हैं, फिर डिनर की थाली सजा के आपको दिखाते हैं वो कैसी। देख लो भाई वैरायटी खाने की क्या तगड़ी है ट्रेन में आज,
लेकिन एक चीज़ है, खिचड़ी का भी ऑप्शन है ट्रेन में, साथ में यहाँ पनीर, दाल, सलाद, ड्राई वेज, नींबू, और यहाँ पे बढ़िया से दिखने वाले चावल और साथ में पराठे यहाँ पे ट्रेन में सर्व हो चुके हैं। यहाँ पे कर्ड है, शुगर है, पेपर है, नमक है, सभी चीज़ें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बटर, पिकल, सब चीज़ है भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी की बॉटल भी सजी हुई है। अब बस बारी है टेस्ट करने की, कैसा है टेस्ट वो देखते हैं। संदीप भाई, संदीप भाई सब्जी कैसी लगी? संदीप भाई ने सब्जी शुरुआत की। मिक्स वेज, दाल कुछ अलग लग रही है आज, दाल किस चीज़ की है? ये वो वाले पराठे जो घर में नहीं बनते, लेयर वाले, है ना, ये पसंद है मेरे को भी। चने छोले वाली दाल लग रही है ये तो, स्वाद बढ़िया है। पनीर देख लेते हैं, वैसे पनीर खा के बोर हो चुके हम लोग। बना अच्छा है, लेकिन वैसे हम लोग खा के बोर हो चुके हैं। कोफ्ता या कुछ ऐसी वैरायटी होती तो और मज़ा आता। ओवरऑल खाने का क्वालिटी यार बहुत बढ़िया है, केटरिंग सर्विसेज बहुत बढ़िया है। क्या फेयर वगैरह पड़ा है वो आपको मैं इस वीडियो में आगे चलकर दिखाऊंगा। बाकी जल्दी से फिनिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ जल्दी। बस डिनर छोड़ के जाने वाले थे भैया, लेकिन ये ले आए, क्या बात है। एक काम करो भैया, छोटी कटोरी में ले आओ 5-6 पीस। तो बस अहमदाबाद में अपनी एंट्री हो रही है, यहाँ साबरमती एक्सप्रेस गोरखपुर की ओर निकलते हुए 11 बज चुके हैं। अहमदाबाद पहुँचते, लेकिन नाइट में रेल फैनिंग का, दरवाजे में खड़े होकर ट्रेन के नज़ारे देखने का अलग ही फील है। क्यों एके भाई? अरे भाई जी मज़ा आ रहा है पूरा। देखो एके भाई जो हमारे साथ डोर प्लेटिंग ही कर रहे हैं आज, यार सोचा कि मतलब यार बढ़िया मजे लेते हैं, 2-4 दिन हो गए ना। देखो भाई इनके 400 सब्सक्राइबर बस बचे हैं, आपको 1,00,000 करवाने, जल्दी जाओ जर्नीज भी देखे पे पहुंचो, खटाखट प्रेस करो सब्सक्राइब बटन को, तोड़ दो फोड़ दो, लेकिन पार होने चाहिए 1,00,000। यहाँ पे अभी हम लोग कर्णावती को पार कर रहे हैं, और भाई देख लो खूबसूरत सा कर्णावती शहर हमारे सामने, और यहाँ किसी गाड़ी को ओवरटेक भी करने वाले हैं। गेस करो जल्दी से कौन सी गाड़ी होगी। है तो ये है दादर अजमेर एक्सप्रेस, ये तो काफी पहले चली थी, शायद ये उसके पीछे चलने वाली दादर अजमेर है, हमने जो देखी थी वो कोई और थी। तो यहाँ पे मैंने कंफर्म किया, ये वही वाली दादर अजमेर है जो हमें मिली थी जब हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी वहाँ पे विश्वामित्री पे, और इसको हम लोग ओवरटेक करके इसके आगे आगे निकल रहे हैं। यार गाड़ी पूरी पैक हो चुकी है, देखो एकदम लोग पूरा ज़मीन तक बैठे हुए हैं स्लीपर के कोचेज में। यहाँ पे हमको रेड सिग्नल दिया गया है और दादर अजमेर हमारे आगे आगे निकलेगी भाई। मुझे ऐसा लग रहा था हमारे को आगे निकालने की बेटर नहीं है, सब खेल है भाई, प्रायोरिटी का खेल। सही लगता है पैरेलल, बहुत बढ़िया लग रहा है। यार ये शहर बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे रुकने में बहुत मज़ा आता है, घूमने में मज़ा आता है साबरमती रिवर फ्रंट में। कभी आइए आप लोग, गुजारिए कुछ वक्त यहाँ पे। अमिताभ बच्चन जी भी बहुत समय से कह रहे हैं गुजारिए कुछ पल गुजरात में। तो भाई ये है बहुत ही खूबसूरत रिवर फ्रंट साबरमती नदी का, जहाँ पे भाई बहुत मज़ा आता है दोस्तों के साथ बैठ के ट्रेन देखने में, आइसक्रीम खाने में और घूमने फिरने में। कभी आप यहाँ पे आए हो ना तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, बहुत ही खूबसूरत। देखिए रिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है बिल्डिंग का यहाँ पे सामने भी। पानी भी कितना अच्छा लग रहा है सजे हुए ना। आए हो कभी यहाँ पर? नहीं, हमने तो यहाँ बहुत गेड़िया मारी। अच्छा अच्छा
आपके इस अंधेरे में हमारी ट्रेन विरमगाम जंक्शन पहुंच रही है। जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि महसाणा से भी यहाँ के लिए लाइन आती है, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो जंक्शन क्यों कहते हैं। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, सारी ट्रेनें ऑलमोस्ट यहाँ पर रुकती हैं। हमारी ट्रेन यहाँ नहीं रुकने वाली है, आज से भी हम स्किप करेंगे क्योंकि कोई स्टॉप नहीं है विरावल तक। यहाँ पर कोई ट्रेन भी निकल रही है जिसका नाम मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा हूँ यार, काफ़ी अंधेरा है। तो ये है भुज बांद्रा, चलो बढ़िया है, पढ़ने में आ गया। भुज बांद्रा एक्सप्रेस शायद देखिए अपनी कच्छ एक्सप्रेस है, ट्रेन नंबर 22956 कुछ ऐसे ही पढ़ने में आ रहा है मुझे अभी। इस तरफ गुड्स ट्रेन खड़ी है तो दूसरी तरफ से शायद हम लोग प्लेटफॉर्म स्किप करें। यहाँ पे अपनी स्पेशल डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन विरमगाम जंक्शन को बिना रुके पार करते हुए, रात के 1:30 बजे तक भाई ये काम चल रहा है। क्यों चल रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों से वादा किया था कि ट्रिप के दौरान ही आपको इस जर्नी के वीडियोस वगैरह देखने को डे वाइज मिलेंगे, उसी वादा को पूरा करने के लिए अब तक जग रहे थे हम लोग। एडिटिंग वगैरह भी चल रही है इसलिए मैं भी जग रहा था और सोचा विरमगाम जंक्शन आप लोगों को दिखा दूं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो सीरीज़ के वीडियोस को देखिए, एफर्ट आपको वहाँ भी दिखेंगे। बहुत डिटेल में हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबको कवर किया है भाई, इन्जॉय करोगे आप लोग ज़रूर से देखिए। बाकी फिलहाल हमारी ट्रेन विरमगाम जंक्शन से निकल रही है, जो लोग यहाँ से हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि आपको ये जर्नी ये नाइट स्किप कैसा लगा और आप लोग यहाँ से हो और क्या खास चीज़ है जो विरमगाम को खास बनाती है। फिलहाल के लिए सोते हैं, कल सुबह आप लोगों से मुलाकात करते हैं, अभी के लिए गुड नाइट दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ अपने दिन की शुरुआत होती है केशोद रेलवे स्टेशन से और मैं आप लोगों को बता दूँ ट्रेन बहुत बिफोर टाइम चल रही है, 9 बजे का पहुँचने का टाइम था पर सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच चुके थे अभी सुबह के 7 बजे। और यहाँ पर अपने एक भाई भी मिलने आए थे, लकीली इनसे मुलाकात हो गई, इन्होंने ट्रेन देखा तो रेलवे स्टेशन आ गए। भाई नाम क्या आपका? यस सारे वीडियोस देखते हैं और देखो मौके पर ट्रेन कैसी लगी भाई आपको? बहुत अच्छा है, इंटीरियर भी सेकंड एसी का था, बहुत जबरदस्त है ना, सेकंड एसी के ज़्यादा अच्छा लगा ना आपको भी? चलो यार बहुत अच्छा लगता है जब लोग मिलने आते हैं और भाई तो इतने एफर्ट लेके स्कूल से पहले यहाँ तक मिलने आए हैं और इनफैक्ट यहाँ के जो स्टेशन मास्टर हैं वो भी अपने सब्सक्राइबर फैमिली का हिस्सा हैं, वो भी मिलने आए थे पर्सनली, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी जो सुविधाएँ हैं सब आपको दिन की दिखाएंगे और आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। लोग इस वीडियो में नए पहुँचे हैं भाई, देखो दिन की शुरुआत में कोच कितना कमाल का लग रहा है। ये जो सेक्शन है बहुत ही खूबसूरत है, सुबह सुबह एकदम हमारी ट्रेन 5 बजे के करीब जूनागढ़ से निकल रही थी, जूनागढ़ से मीटर गेज की ट्रेन्स अभी भी चलती हैं विरावल के लिए नहीं, जूनागढ़ से तलाला तक का तो मुझे पता है, जूनागढ़ से दिलवाड़ा निकलती हैं, अमरेली वाली पैसेंजर विरावल से निकलती है भाई, काफ़ी अच्छा खासा क्राउड होता है यहाँ पर। बाकी ये ट्रेन है ही ऐसी कि यार इसके आगे फ़ोटो वगैरह लेने का मन करे, सनराइज़ का वेट कर रहा हूँ मैं, उसके बाद जब ट्रेन यहाँ से निकलेगी ना बहुत बेहतरीन नज़ारे आपको ट्रेन से ही दिखाऊँगा। और यहाँ पे हमारे संदीप भाई देखो सो के उठे हैं अभी, भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन रूट जो है वो खत्म हो गया, मैं सोचता हूँ क्या भैया लोग चाय वगैरह पूछने आए थे, इतने प्यारे हैं इनके, इनका जो स्टाफ इतना बढ़िया है, बोला ट्रेन के बाहर ही दे दें आप लोग पी के कप दे देना बस। मैंने कहा ले आओ ले आओ, गाड़ी अब तो यहीं खड़ी है जब तक यहाँ पे है कोई दिक्कत नहीं। तो यही थे अपने स्टेशन मास्टर साहब और यहाँ पे केशोद से हम लोग जस्ट निकले हैं, 7:15 हो गए, समझ लो आप कितनी देर से ट्रेन यहाँ खड़ी है। स्टेशन मास्टर
जो सामने से ट्रैक आपको छोटा सा आता है वो दिखाई दे रहे हैं ना, वो तलाला जंक्शन से आ रहा है जो कि आगे अमरेली दिलवाड़ा इन सभी रूट्स के लिए निकलता है, वो मीटर गेज ट्रेन का है ट्रैक, और हम लोग अब वेरावल जंक्शन पहुंच रहे हैं। भाई 8:10 पे ही ट्रेन अपनी वेरावल जंक्शन आ चुकी है, टाइम तो 9 बजे का था। मतलब यहाँ तक जबरदस्त रेल फैनिंग हुई है इस ट्रेन में, मजा आ गया। रास्ते में जो कोकोनट ट्रीज वगैरह देखने को मिले थे ट्रैक के दोनों तरफ, ऐसा लगा जैसे साउथ इंडिया में आ गया हूँ, लेकिन वेरावल की तो वाइब्स ही अलग है। सोमनाथ का जो रेलवे स्टेशन है वो फिलहाल बंद चल रहा है, जिसके कारण ट्रेन केवल वेरावल तक ही आ रही है। लोड काफ़ी ज़्यादा है वेरावल स्टेशन के ऊपर, जबलपुर सोमनाथ, अहमदाबाद सोमनाथ, ये जो सभी ट्रेन है ना ये सभी वेरावल तक ही आ रही हैं। की तरह यहाँ भी ट्रेन का भव्य स्वागत आप सभी लोगों के लिए। ये है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। चलिए भाई रेस्टोरेंट कार में अपना ब्रेकफास्ट आज का किया जाए, जो कि सोमनाथ पहुंचने के बाद भी चल रहा है। ये अपना इंडियन रेलवेज का सबसे तगड़ा मेन्यू है, कटलेट सबसे पहले, उसके बाद उपमा और चटनी भी। उपमा तो बहुत सही लग रहा है देखने में, टेस्ट देखने कैसा है। नारियल की चटनी और उपमा नेक्स्ट लेवल कॉम्बो बनाया। हम देखते हैं कटलेट जो अच्छे तरीके से पकी है कि नहीं। कटलेट भी बढ़िया है, सॉस पेपर सब यहाँ पे है, जैम का ऑप्शन भी है, बटर भी इसमें सजा हुआ है। मेन बात यह है कि टोस्ट ब्रेड, नॉर्मल ब्रेड, ये ऑप्शन भी है, कॉर्नफ्लेक्स का ऑप्शन भी है। श्रेयांश भाई तो कॉर्नफ्लेक्स ट्राई कर रहे हैं। अच्छी खासी वैरायटी आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाती है। बस अभी ये फिनिश करेंगे, ट्रेन अभी खड़ी हुई है वेरावल में, निकलेंगे, बाहर बसेस वेट कर रही है, जाएंगे रूम पे, फिर सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए निकलेंगे। दर्शन क्यों कहते हैं तो मैंने आपको बताया, यहाँ मीटर गेज ट्रेन चलती है ना, एक देख लो आप लोग नमूना, ये देखो खूबसूरत सी मीटर गेज ट्रेन। अपना ओमकारेश्वर वाला जो रूट है वहां की मीटर गेज ट्रेन तो अब बंद हो गई, बहुत यादें देकर गई हमें। अभी ये वाला जो रूट है इसकी मीटर गेज ट्रेन्स अभी भी चल रही हैं, वेरावल से अमरेली के लिए, वेरावल से दिलवाड़ा के लिए, तलाला जंक्शन के लिए। इन्हीं यादों को साथ लेकर हम लोग आगे की ओर अपने सफ़र में बढ़ने वाले हैं। से बाहर निकलते ही अपनी ट्रैवलर्स यहाँ पे तैयार खड़ी हैं, बस बोर्ड करते हैं, सफर को शुरू करते हैं। काफ़ी भव्य स्वागत था यहाँ पे, और उसके साथ वेलकम ड्रिंक भी है, और इसके बाद आपको रूम का इंटीरियर भी दिखाएंगे। भाई IRCTC की व्यवस्था एक नंबर की है यहाँ पे, यहाँ पे पूल भी है, और होटल देखो यार, ये लुक देखो। मन तो कर रहा है इसमें कूद जाए, लेकिन कपड़े शायद पूरे लाए नहीं हम लोग यार। तो भाई रूम देखो यार, रूम का साइज देखो। आओ संदीप भाई, भाई साहब रूम है यार। और ये आज यहाँ पे हमारा से 4 घंटे का है, अफसोस। क्या व्यवस्था की है रेलवे ने यार, मजा आ गया, पूल भी है, रूम भी तगड़ा है। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अगला जो पार्ट होगा ना उसमें आपको हम सोमनाथ घुमाएंगे और द्वारका, दोनों ही चीज घुमाएंगे, और साथ साथ ट्रेन जर्नी भी आपको देखने को मिलेगी सोमनाथ से द्वारका तक की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, होटल कैसा लगा, ट्रेन जर्नी कैसी लगी, रेल फाइनिंग कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। आप लोग से वादा किया कि भाई वीडियोज आते रहेंगे ऑलमोस्ट डेली, तो ये एडिटिंग का भी काम चल रहा है। इस वीडियो को रिपेंड करते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्टडी द ट्रेन गुरु है, वहाँ मैं जर्नी अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ।
मिलेंगे जल्दी ऐसी और बहुत सारी जर्नीज में और इस सीरीज में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरे साथ ऐसे ही ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।